तो वहीं फेमस पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पंजाब पुलिस की जांच का दायरा हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। पहले फतेहाबाद, फिर सोनीपत और अब सिरसा में छापेमारी की गई है। कहा जा रहा है कि मूसेवाला की रेकी करने वालों में सिरसा के गांव तख्तमल का एक युवक शामिल रहा है। युवक अभी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है क्योंकि वे 1.5 साल पहले ही गांव छोड़ चुका है। पुलिस उसके परिवार के लोगों और नाते रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है ताकि उस तक पहुंचा जा सके। हरियाणा से जुड़े मूसेवाला हत्याकांड के तार, पहले फतेहाबाद में छापेमारी, फिर सोनीपत में छापेमारी और अब सिरसा में छापेमारी। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार अब सीधे तौर पर हरियाणा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि मूसेवाला हत्याकांड की जांच का दायरा अब हरियाणा तक बढ़ गया है। इस हत्याकांड से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी जानकारी हरियाणा से ही आ रही है। हरियाणा के सिरसा के एक युवक पर मूसेवाला की रेकी करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर पंजाब पुलिस लगातार सिरसा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि मूसेवाला की रेकी करने वालों में सिरसा के गांव तख्तमल का एक युवक शामिल रहा है। युवक अभी पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगा है क्योंकि वो 1.5 साल पहले ही गाँव छोड़ चुका है। पुलिस उसके परिवार के लोगों और रिश्तेदारों से पूछताछ कर उस तक पहुंचने की कवायद में जुटी है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश के तार शुरुआती जांच में दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े और फिर हत्याकांड की साजिश राजस्थान के सीकर में रचने की बात सामने आई। इसमें हरियाणा के गैंगस्टर्स का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी वारदात से 4 दिन पहले 25 मई को फतेहाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई थी। बोलेरो के जरिए पंजाब पुलिस फतेहाबाद के गांव फिरडाना के पवन और नसीब को गिरफ्तार कर चुकी है। पवन पर बदमाशों को गाड़ी उपलब्ध कराने और राजस्थान से लाकर उनके ठहरने की व्यवस्था करने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। पंजाब पुलिस हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश में अभी फतेहाबाद पर ध्यान लगाए हुए है। उधर मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल बोलेरो गाड़ी के तार हरियाणा के सोनीपत से जुड़ रहे हैं। बोलेरो में सवार सोनीपत के 2 बदमाश प्रियव्रत फौजी और अंकित सेरसा बीसला के पेट्रोल पंप पर तेल डलवाते समय सीसीटीवी में कैद हुए थे। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की 2 टीमें अभी सोनीपत में डेरा डाले हुए हैं। फतेहाबाद और सोनीपत के बाद अब मूसेवाला हत्याकांड के तार सिरसा से भी जुड़ गए हैं। पंजाब CIA ने कालावली क्षेत्र में छापेमारी की। सिरसा के गांव तख्तमल निवासी युवक पर सिद्धू मूसेवाला की रेकी करने का आरोप लगा है। पंजाब पुलिस की कई टीमों ने कालावली, तख्तमल, कालावली मंडी में छापे मारे हैं। हालांकि अभी युवक पुलिस के हाथ नहीं आया है। ऐसी जानकारी है कि आरोपी युवक 1.5 साल पहले ही गांव छोड़ चुका है और उसकी गिरफ्तारी भी मूसेवाला हत्याकांड के अन्य आरोपियों की तरह पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।